नमस्कार दोस्तों, डिजायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको मॉपअप फर्स्ट या सेकंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है तो क्या आप मॉपअप के लिए इलिजिबल हो। जिस स्टूडेंट आप मॉपअप के लिए इलिजिबल हो, पर उसमें एक अट है कि आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपने रिटेंशन फॉर्म भरा तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आप मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने फ्री एग्जिट लिया है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है पर आपने उसमें एडमिशन ही नहीं लिया जाकर, तो आपको फिर से मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने सीट होल्ड किया है तो रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सिर्फ सीट होल्ड किया है पर रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है, और अगर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी हम एक वीडियो बताएंगे, जिसके वजह से आपको एक बेहतर से बेहतर एंड टॉप कॉलेज BAMS का मिल सकता है। पर आपने अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्टिंग किया ही नहीं होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब फ्री एग्जिट लिया होगा आपने कॉलेज में जाकर, फिजिकली कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स एंड DD सबमिट नहीं किया होगा, तो आपको जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसकी फ़ी 1000 रुपीज़ है। उसी के साथ सबको, मतलब जिन्होंने रिटेंशन नहीं भरा है, मॉपअप में जाना चाहते, सीट होल्ड की है, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, या जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको सारे स्टूडेंट्स को चांस है कि वो मॉपअप के लिए फिर से जो है चॉइस फिलिंग करें। तो डू चॉइस फिलिंग प्रॉपरली, आपको प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप बेहतर से बेहतर कॉलेजेस ऊपर डालते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉपअप राउंड में, क्योंकि मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा सीटें भी आने वाली है। तो इस तरह से आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी है। जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर मतलब इसका जैसे मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में BAMS या BHMS की सीट अलॉट ही नहीं हुई, उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड में BAMS एंड BHMS की सीट बिल्कुल अलॉट नहीं हुई, तो आपको मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है मॉपअप राउंड के लिए, और चॉइस फिलिंग करते समय इस बार आपको सारे के सारे BAMS के कॉलेजेस डालने एंड एक लिस्ट बनानी है आपको टॉप टू बॉटम, सबसे अच्छे कॉलेजेस एंड बेटर कॉलेजेस जिसमें टीचिंग अच्छी होती है, OPD अच्छी होती है, उनको ऊपर डालना है, बाकी के कॉलेजेस नीचे डालना है। एक सीरियल वाइज आपको रैंकिंग देनी है। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड ये लास्ट चांस है आपको महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। अगर आपने अभी तक बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड रजिस्ट्रेशन अभी 2-3-4 दिन में स्टार्ट होने वाले है, ठीक है, तब आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। एंड जो मॉपअप फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली 6th या 7th January को पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली काउंसलिंग करनी है, और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एक गोल्डन चांस है आपको कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको ही फायदा होगा। अगर आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है तो आपको मॉपअप में सीट अलॉट हो सकती है BAMS या BHMS के लिए, एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो विदिन 2-3-4 डेज में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 2-3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। जो आफ्टर दैट अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है अगर आप स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करते हो, या अगर आप इंस्टीट्यूशनल के लिए अप्लाई करते हो, मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करना है BAMS BHMS के लिए। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर एडमिशन मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकेंड में हुआ है तो भी आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप 100% मिलती है। उसी के साथ अगर आपका एडमिशन जो है मॉपअप फर्स्ट और मॉपअप टू में होता है तो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। अभी कुछ कॉलेजेस जो है वो एडमिशन के वक्त ही आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं, यानी कि आपसे आपके कैटेगरीज की फ़ीस ही लेते हैं, पर कुछ कॉलेजेस कहते हैं कि आपको जो MHADBT से स्कॉलरशिप आएगी लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर होता है उसमें, तब आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी।
तो इस तरह से कुछ कॉलेजेस पहले स्कॉलरशिप देते हैं तो कुछ कॉलेजेस कैटेगरी बेनिफिट बाद में देते हैं। स्कॉलरशिप की गारंटी हम स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में नहीं होती है। अगर आपको सीट मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकेंड में मिलती है तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, पर अगर आपको सीट जो है स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में मिलती है तो गारंटी नहीं होती स्कॉलरशिप की। पर कुछ कुछ कॉलेजेस जो है स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में भी स्कॉलरशिप दे देते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी कॉलेजेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी महाराष्ट्र में BMS के 4 से 5 न्यू कॉलेजेस मॉपअप में ऐड हो सकते हैं, या मॉपअप सेकेंड तक ऐड हो सकते हैं, या इंस्टीट्यूशनल स्पॉट में भी ऐड हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस साल ऐड हो सकते हैं। अभी ये कौन से कॉलेजेस है, संगमनेर साइड कॉलेजेस है, उसके बाद बीड अष्टा में एक कॉलेजेस है, पारनेर सिटी में एक कॉलेजेस है, तो इस तरह से 5-6 कॉलेजेस भी बोल सकते हो, पर उसमें से 4 या 5 कॉलेजेस इस साल आ सकते हैं। करेघाट में एक कॉलेजेस नया बन रहा है। इन कॉलेजेस को अगर इस साल परमिशन मिलती है MUHS से, NCISM से, तो ये इस साल के काउंसलिंग में आ सकते हैं। और अगर ये कॉलेजेस इस साल ऐड हुए तो BMS का एंड BHMS का कट ऑफ बहुत कम आ सकता है। तो हमने जो आपको डिटेल वीडियो में लास्ट बताया था SAFE SML, उससे भी कम कट ऑफ जाता है, जा सकता है अगर इन कॉलेजेस को परमिशन मिली। अब ये कौन से कॉलेजेस से एग्जैक्टली लोकेशन एंड कॉलेजेस के नेम, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो। इसके बाद हम एक जरूर वीडियो बनाएंगे कि ये कॉलेजेस कौन से और इनकी प्रोसेस कहाँ तक आई है और इनको कब तक परमिशन मिल सकती है, क्या मॉपअप फर्स्ट में या मॉपअप सेकेंड तक इनको कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल सकती है, इस पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड जल्दी इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे कि इन कॉलेजेस को कब तक परमिशन मिल सकती है, क्योंकि जो ये न्यू कॉलेजेस है 4 से 5 कॉलेजेस है, इनके वजह से जो कट ऑफ है महाराष्ट्र स्टेट BMS एंड BHMS का, वो बहुत कम जा सकता है। इसी के साथ BHMS के भी ऐसे 3-4 कॉलेजेस से उनको परमिशन मिल सकती है, उनके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको मॉपअप फर्स्ट में सीट मिली है तो आप मॉपअप सेकेंड के लिए भी एलिजिबल हो, मगर एक बात याद रखिए, अगर आपको मॉपअप फर्स्ट में सीट मिली है तो आपको रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ उस कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, सीट होल्ड करके रखनी है, रिजर्व करके रखनी है, आपको एडमिशन फिक्स नहीं करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो आप ज़रूर कीजिए, पर उसके बाद आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपको कॉलेज में जाकर सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसके बाद आपको ओरिजिनल DD देना है, और फिर मॉपअप सेकेंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए वेट करना है। अगर मॉपअप फर्स्ट के बाद मॉपअप सेकेंड होगा तो जो पुराना कॉलेज है उसमें से DD लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने, न्यूली जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन ले लेना है। अभी बात करें उसके बाद, अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट मिलती है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको मॉपअप राउंड फर्स्ट या सेकंड में सीट नहीं मिलती तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि कम स्कोर पे भी इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में एडमिशन होता है। और इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में अगर आपका स्कोर अच्छा है, लगभग एलिजिबिलिटी के आसपास है, तो ओनली फीस पर आपका इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड में एडमिशन होता है। तो अगर आपको एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो स्पॉट इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड ऐसे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9730898960 पर, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे एडमिशन के लिए, और आपको एक बेहतर से बेहतर अच्छा कॉलेज मिल सकता है स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में, सिर्फ फीस के बेसिस पर अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, उसमें कुछ टर्म्स होती है, वो हम आपको डिटेली ज़रूर गाइड करेंगे, पर अभी आप सिर्फ याद रखिए कि आपको मॉपअप में सीट नहीं मिली तो आपको हमें मैसेज करना है, अगर आप स्पॉट इंस्टीट्यूशनल के लिए जो है मतलब इंटरेस्टेड हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, क्योंकि लो मार्क्स पर भी आपका स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में एडमिशन हो सकता है। अभी एडमिशन कैसे होगा, इसमें कैसे एडमिशन आपको लो स्कोर में मिलता है, जो स्पॉट इंस्टीट्यूशनल की प्रोसेस क्या है उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें स्कॉलरशिप्स कौन से कॉलेजेस आपको स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में स्कॉलरशिप्स देंगे, कौन से कॉलेजेस स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते, या कौन से कॉलेजेस में स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस पर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी इनके स्कॉलरशिप्स के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, या इंस्टीट्यूशनल स्पॉट कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसमें भी हमने वीडियो बना के रखी है। आपको अगर डिटेल स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में हमारे कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर एडमिशन लेना है तो हमें 9730898960 पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, 100% हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी फॉर डिटेल्ड गाइडेंस, अगर आपको हमारा डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9730898960 पर। अगर आपको कोई
कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज है, अगर आपको आउट ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब हुआ, कर्नाटका हुआ, एमपी हुआ, तेलंगाना हुआ और या अदर स्टेट, गुजरात हुआ, उसके बाद यूपी हुआ, इन स्टेट्स में बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन लेना है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी के साथ हमारा जो ऑफिस है वो पुणे सोमवारपेट में, उसके बाद संगम ने अहमदनगर में भी हमारा ऑफिस है, तो इन दो जगह पर अपना ऑफिस है, आप ऑफिस में भी आ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई एडमिशन लेना है, आपको स्पोर्ट इंस्टीट्यूशनल में एडमिशन लेना है तो हमारे ऑफिस में आ जाइए, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। हमारा ऑफिस सोमवारपेट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिए, आपको डिटेली ऑफिस का एड्रेस हम सेंड कर देंगे, आप ऑफिस में मिलने आ सकते हैं, हम उधर बात कर लेंगे। उसी के साथ अगर आपको और कोई डिटेल गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए, स्पोर्ट इंस्टीट्यूशनल राउंड कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद कैसे एडमिशन होगा, मॉप ऑफ फर्स्ट कट ऑफ, मॉप ऑफ सेकेंड कट ऑफ, सारी चीज़ें के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसी के साथ आपको हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए, फिर भी आप हमें 9730898960 पर मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोपो फर्स्ट सेकेंड का कट ऑफ कितना जा सकता है इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।